इस ब्रह्मांड में एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य जैसे लाखों तारों एवं पृथ्वी जैसी करोड़ों ग्रहों को नष्ट कर सकती है, जिसका नाम है ब्लैक होल। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वह जगह है जहां कोई भी भौतिक नियम काम नहीं करता। यहां सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब ब्लैक होल से होकर प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। ब्लैक होल में वस्तुएँ गिर तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकती है। 1783 में ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले प्रोफेसर जॉन माइकल ने रखा। माइकल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शिक्षक थे। अगर मैं गणितीय रूप से बात करूँ तो कोई भी चीज़ ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्रेविटेशनल पावर उतनी ज़्यादा होगी। एक कल्पना करिए, यदि हमारी पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और वह एक ब्लैक होल होगी। अगर हम सूर्य को या किसी भी ग्रह को कंप्रेस करके एक मटर के समान कर दे तो वह ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन यह एक कल्पना मात्र की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते, क्योंकि न पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एवं द्रव्यमान इतना अधिक है और न सूर्य का। लेकिन सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान एवं घनत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो तो वह इन गुणों से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर तारा ही कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनते हैं। जब कोई भी तारा अपनी अंतिम पल में होता है तो उसमें एक बड़ा सा विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और उस तारे के तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। मरे हुए तारे अपने पीछे जो ठोस अवशेष छोड़ जाते हैं उसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल में लाखों सूरज समा सकते हैं। इस तरह एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल ऐसा भी है जो रोज एक तारा को निगल जाता है। यह ब्लैक होल हमारे सूर्य का 3400 करोड़ गुना बड़ा है। खास बात यह है कि करोड़ों सूर्य की रोशनी सोखने वाला यह सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम J2157, बस एक ही माह में दोगुने आकार का हो जाता है। यह ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल AL85 से बस कुछ ही छोटा है, जिसका वजन 4000 करोड़ सूर्य के बराबर है। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल यूनिवर्सिटी के एक नए शोध के मुताबिक यदि मिल्की वे का यह ब्लैक होल इसी तरह बढ़ता रहा तो यह हमारी आकाशगंगा के 2/3 तारे को निकल जाएगा। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास गोलाकार सीमा, जिसे इवेंट होरिजिन कहा जाता है। इवेंट होरिजिन के बाहर प्रकाश या कोई भी वस्तु नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं, अगर आप ब्लैक होल में चले जाएँ तो आपका क्या होगा। पहली संभावना, ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तु गिर तो सकती है लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती है। यदि आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। दूसरी संभावना, इवेंट होराइजिन, यानी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण सीमा के आसपास भी आप आ गए तो उसके खिंचाव के कारण आपका शरीर लंबा चौड़ा विकृत तरीकों से असाधारण हो जाएगा। इसकी परिस्थिति में आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी संभावना, यदि आप बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंस गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या आप दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, किसी को नहीं पता। फिर आप किस दुनिया में पहुँच जाएंगे, ये बात अभी तक कोई नहीं जान सका। यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है, कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ क्या है। चौथी संभावना, ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट कहा जाता है, मतलब कि एकदम फ्री फॉल। ऐसे यदि आप ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल सिर के बजाय आपके पाँव में ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा होता है तो आपका पूरा जीवन सामान्य तौर से तब तक बिता सकते हैं जब तक आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। अगर आप ब्लैक होल में फंस जाते हैं तो ये चार संभावनाएं आपके साथ हो सकती है। वैज्ञानिकों ने धरती
धरती के करीब मौजूद एक ब्लैक होल की खोज की है जो धरती से 9,500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आपके हिसाब से यह दूरी बहुत अधिक लग रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ब्लैक होल धरती से बस कुछ दूरी पर ही है, यह ज्यादा दूर नहीं है। आज से कुछ ही दिन पहले नासा ने एक ऐसी वीडियो क्लिप दुनिया के सामने रखा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए थे। उस वीडियो में यह दिखाया गया था कि एक ब्लैक होल कैसे एक सूरज जितने बड़े सितारे को टुकड़े टुकड़े में बांटकर अपने में निगल रहा था। ये बात सुनने में तो काफी अजीब लगता है, लेकिन हमें ये बात माननी होगी कि ब्लैक होल इतने ताकतवर होते हैं कि वो कुछ ही समय में हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपने में समाहित कर सकते हैं, क्योंकि जिस सितारे को वीडियो में खत्म किया जा रहा था वो हमारे सूरज इतना ही बड़ा था। और हम ये जानते हैं और हमारा सूरज इस सोलर सिस्टम का 99.9% मास अपने पास रखता है, तो इस बात से ये पता चलता है कि ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आगे चलकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता लगाया, लेकिन बाद में महान भौतिक शास्त्री स्टीवन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में विस्तृत जानकारी दी और नई नई जानकारियां दुनिया के सामने रखी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सरे के परावर्तन की उत्पत्ति की पहचान की, इससे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की जांच की जा सकेगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पंकज जैन का दावा है कि ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम के एक्सरे परावर्तन की पहचान करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। अगर वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के अंदर जाना है तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को काफी डेवलप करना होगा, तभी वो शायद ब्लैक होल के अंदर जा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। धन्यवाद।